कल मैंने एक न्यूज़ देखी ट्विटर पर इट्स हार्ड ब्रेकिंग इट्स नॉट अ बिग शॉक तो बट इट्स इट्स हार्ड ब्रेकिंग एक स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट हॉस्टलाइट शी वॉज ड्रॉप्ड एट अ लोकल हॉस्पिटल शी वॉज डेड बाई वन ऑफ इज़ I, I don't know who the boy was but later on autopsy it was found that she was uh, expecting and that uh, she went for uh, an abortion and that abortion was botched up um, she became critical probably the boy panicked uh, took her to the nearest uh, bigger hospital where on the way she died probably on the way or maybe uh, when she was there the haunting figure of him carrying her body or what if if she was alive or if she was dead we don't know uh, was captured by a cctv footage camera and that picture is all over twitter right now uh, it's it's terrible as i'm i'm speaking to you as a parent uh, it's it's beyond words okay and the students of mine who are watching this, you probably won't have an appreciation of this unless you become parents yourself. Uh, the loss of such a such such kind uh, is, uh, you know. I, I just wanted to appeal to the parents. Uh, Allah ke Allah ke Chhod den ye society ke pressures hain. और ये जो सोसाइटी के ट्रेडिशंस बन गए हैं कि ख़ास कोट अंड कोट लेवल तक जाके आ, उनसे पहले बच्चों का कोई शादी और कोई निकाह का सीन नहीं होता आ, वो लेवल हमने डिफ़ाइन किया है हम जैसे लोगों ने डिफाइन किया है वहाँ तक हम अपनी तो बेटियों को पुश कर देते हैं अपने बच्चों को पुश लड़कों को पुश कर देते हैं आ, मीडिया को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते ठीक है गवर्नमेंट पता नहीं क्या प्रायोरिटीज़ हैं इस गवर्नमेंट की और या इससे पहले गवर्नमेंट्स की मीडिया बिल्कुल बेलगाम है और आ, आ, जो एलसट किस्म की जो मटेरियल है मीडिया पे वो वो आम है आराम से मिल जाता है आप अपनी तरफ से तो हॉस्टल में छोड़ देते हैं ठीक है और अपने बच्चों को तालीमी इदारों में जाके छोड़ देते हैं ठीक है और कोई कोई फॉलोअप बहुत ज़रूरी है मैं ये नहीं कह रहा कि सारे का सारा कसूर पेरेंट्स का है मैं बच्चों पे अभी आऊँगा लेकिन खुदारा सोचें जैसे बच्चे जवान हों उनकी शादी के बारे में प्लीज़ सोचिए ठीक है।, है ये वाक़ बढ़ रहे हैं ये ये तो खैर ट्विटर पे आ गया और सबकी एक नॉलेज में आ गया अल्लाह जानता है और क्या क्या मामला होंगे छोटे शहरों में क्या क्या मामला होंगे ये तो बड़े शहर का मामला है और वैसे ही सारा मीडिया उस पर आ गया और वो उसका इमेज आ गया और वो बड़ी ग्रूसम किस्म की एक पूरी वो है दिल खराब होता है उसको देख के और उस, उसके बारे में सोच के बच्ची होगी बेचारी कहीं किसी प्यारी होगी किसी की यू you नो know, किसी की बेबी गर्ल होगी ठीक है क्या बेहतर नहीं है कि बच्चों की शादी हो जाए पहले क्या हो जाएगा रजक अल्लाह की तरफ से तो है रजक तो अल्लाह सुबहान तला है लेकिन अल्लाह ने ये हमारे अंदर इंस्टिंग दिए हैं ये ये इंस्टिंगट है प्रोक्रिएशन का जो हमें अट्रैक्ट करता है अपोजिट जेंडर पे। ये गलत नहीं है इन ऑरिजन ये गलत नहीं है इसका इस्तेमाल गलत हो जाता है इसको अगर पुश कर दिया जाए इसको आज़ाद छोड़ दिया जाए या इसको मजबूर कर दिया जाए तो फिर ये इस तरह की गलत किस्म की हरकत व पे पर यह आपको मजबूर कर देता है तो मैं पे, मैं पेरेंट्स से इल्तजा कर रहा हूँ कि खुदा के लिए होश करें अपने जवान बच्चों की शादियाँ करें उनके निकाह कर दें उनको मैनेज करें यह आपकी मैनेजमेंट है ये आप करेंगे ये आपका काम है मत छोड़िए कि फल और ढिमके में मामू ने क्या सोचना है ताए ने क्या सोचना है तो ताया अपना उसके अपने मसाइल हैं ताए के या मामू के या चाचे के या जिसके भी हैं ये बच्चे आपके हैं और अल्लाह ने आपसे सवाल करना है इन बच्चों का या आप ये आप खातर जमा रखिए अल्लाह ने आपसे सवाल करना है वो मामू ताया चाचा जो होगा ना वो अपनी लाइन में लगा हुआ होगा ये सवाल आपसे होगा कि आपने क्या किया अपने बच्चों का आपको क्यों नहीं पता था कि वो किन हालात में अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं आपको क्यों नहीं पता था कि ड्रामे और ये जो उल्टी सीधी फिल्में और ये सब रैम्पेंट है आजकल ये बॉय, गर, बॉय गर्ल कल्चर फैला हुआ है इंस्टीट्यूशन में पढ़ने भेजते हैं हम बच्चों को उनको फॉलोअप भी करना जरूरी है उनको बिल्कुल आजाद ये नहीं कि यूनिवर्सिटी में चले गए तो अब वो मेच्योर नहीं होते बच्चे इतनी जल्दी मेच्योर उनको देखना पड़ता है उनकी तरबियत करनी पड़ती है उनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है टाइम स्पेंड करना पड़ता है उनके साथ ये जितना अब अल्लाह उस बच्ची को रही, रही कर रहमत करे जितना उसका कसूर है उतना हमारा भी कसूर है ये हमने क्यों नहीं देखा पहले ये कुताही हमारी है और हम सबकी कुताही है ये खुदा के वास्ते ये निका का कल्चर आम कीजिए यह ये, ये उल्टी सीधी बातों को खत्म कीजिए एक तरवीज दीजिए एक एक कैंपेन चलाएं खुदा के लिए कैंपेन चलाएं आई एम श्योर एक चल रही है माशाल्लाह कुछ लोग चला रहे हैं अल्लाह उनको जजा दे अल्लाह उनको उनके 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 एफर्ट में बरकत डाले एक प्रो निकाह एक प्रो शादी ये सारी कैंपेन चल रही है मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जो शादी करना चाहते हैं ठीक है मैं uh, मेरी बच्चों के साथ बहुत डीलिंग है अपने इंस्टीट्यूशन में लेकिन दे आर रिड्यूस्ड टू डेटिंग द गर्ल और द गर्ल इज रिड्यूस्ड टू मीटिंग द बॉय इन इन प्रिकेरियस सर्कमस्टांसिस वाई वाई वेन देर इज एन ऑप्शन और ये सोसाइटल कल्चर जो है ये आधा हिंदुआना उससे जुड़ा हुआ है आधा पता नहीं वेस्ट के साथ एक अजीब हाइब्रिड सिचुएशन बन गई है हमारी इस्लाम कि दर है इस्लाम तो कहता है निकाह को आसान के ना इवन जो मेहर है उसको भी नीचे करें लड़की वाले और लड़के वाले जो हैं वो आ, पूरा सपोर्ट करें लड़के को शुरू में और ऐसा ऐसा इंशाल्लाह वो इंडिपेंडेंट क्योंकि रजक तो अल्लाह से मानता रहा जब तक ये हमें बात हमें अगर बात ये क्लियर हो जाए कि अल्लाह की जात है जो रिजक देता है ये डिग्रिया रिजकट नहीं देती कई डिग्रियों वाले जो हैं वो अब, अब जूते गि फिरते हैं रोडों पे आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं और अब बेटे मैं बच्चों पे आ रहा हूं खुदा के लिए यू कैरी द प्रेस्टीज ऑफ द ऑफ द फैमिली आप इज्जत हैं किसी के घर की मैं लड़के लड़की दोनों की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा लड़के भी उतने ही रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने घर के जितने लड़कियां हैं खुदा के लिए देर इज अ वे टू हैंडल योर प्लीज मेंटेन सर्टेन स्टैंडर्ड्स अगर नहीं है आपके इर्द गिर्द वो स्टैंडर्ड्स तो बनाइए उन स्टैंडर्ड्स को प्लीज आपकी कोई निस्बत है आप आपके कोई पेरेंट्स हैं आपके कोई सिबलिंग्स हैं यू ओ अलॉट टू देम यू ओ स्टफ टू योर सेल्फ ऑफ कोर्स बट यू ऑल्सो ओ थिंग्स टू टू योर फैमिली प्लीज इस तरह की किसी किस्म के मेजर्स लेने से पहले गेटिंग इन्वॉल्व विद पीपल टू दिस एक्सटेंट विदाउट टेलिंग द पेरेंट्स ऑफ योर आई आई होप इनिशियली प्योर इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड प्लीज डोंट मेक इट सो कॉन्ट्रोवर्शियल प्लीज रिफर टू समी समी एल्डर कोई एल्डर अपने घर में हो किसी को अपना कॉन्फिडांट बना लें उस बंदे को कॉन्फिडेंट ना बनाएं जो एक दिन आपकी डेड बॉडी छोड़ देगा कहीं पर देर आर वेज टू डू इट बेटे देर इज आर सो इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटियां में एंड अगर आप कर रहे हो तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा कुछ तो आपका आई क्यू होगा अकल होगी आपके अंदर इमोशनल आई क्यू को भी डिवेलप करें इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सम बडी देर इज अ हलाल वे देर इज अ राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड देर इज अ बैड वे ऑफ डूइंग थिंग्स ओके प्लीज चूज द निकाह वाला रास्ता प्लीज चूज द राइट वे बेटे ओके okay? uh, जिंदगी एक दफा मिलती है ओके डोंट मेस इट अप ये ये चीजें टेम्प्ररी होती हैं बेटा ये जो uh, uh, ये जो uh, uh, क्या द what, वर्ड ये जो इंजॉयमेंट होती है ये टेम्प्ररी होती है ये चली जाती है गिल्ट नहीं जाता ओके okay? uh, जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं लेट्स प्रेयर फॉर द गर्ल लेट्स प्रेयर फॉर द बॉय अल्लाह उनको अल्लाह उनको माफ करे अल्लाह उनके मुश्किल को आसान करें और हमें तौफीक दे कि यह आइंदा कभी ना हो इनशा असल